तो दोस्तों हनी चिली कॉलीफ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमें काटने हैं अपने गोभी के फूल को, और कुछ इस तरीके से काटेंगे इस फूल को कि ना ही ज़्यादा वो बड़े पीसेस बने और ना ही ज़्यादा छोटे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये देखिए। अब दोस्तों हम लेंगे बड़े से बॉल के अंदर व्हीट फ्लावर यानी कि मैदा और कॉर्नफ्लावर, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाला गया है थोड़ा सा अजीनोमोटो और स्वादानुसार नमक। इसी में ऐड किया जा रहा है दोस्तों थोड़ा सा चिली गार्लिक पेस्ट। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे, घोल तैयार करेंगे। थोड़ा गाढ़ा तैयार करना है ताकि जब हम इसमें सारे गोभी के पीसेस को डालेंगे तो वो अच्छे से उसके अंदर उसके ऊपर कोट हो जाए। तो कुछ इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब डाला जा रहा है इसके अंदर हमारे सारे गोभी के पीसेस जो हमने अभी काटे थे, उसमें इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा, उसको कोट कर लिया जाएगा ताकि जो गोभी के फूल हैं उसके ऊपर अच्छे से ये बैटर सारा मिक्स हो जाए, ऊपर से कोट हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों क्या बढ़िया तरीके से हमारे गोभी के फूल जो हैं इस बैटर के अंदर कोट हो चुके हैं, और अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो सबसे पहले तो हम ऑयल लेते हैं अपने फ्रायर के अंदर और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सारे गोभी के पीसेस को इस फ्रायर के अंदर। और सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब मान के चलिए कि 30 से 40 सेकंड के लिए इसको फ्राई किया गया और इसको बाहर निकाल लिया गया है। अब बाहर किस लिए निकाला है दोस्तों, इसको अच्छे से साफ़ किया जाएगा। जहाँ दोस्तों जो हमने बैटर लगाया था वो इधर उधर फैल गया है, कोई बड़े पीसेज हो गए कोई छोटे, तो इसको अच्छे से साफ़ करके इसमें से जो एक्स्ट्रा पीसेज हैं बैटर के जो इसमें लगे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा, और उसके बाद इसको दोबारा फ्राई किया जाएगा। तो अब इसको दोबारा से फ्राई कर लिया जाता है क्योंकि हमारे सारे पीसेस साफ़ हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगेगा इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए, क्योंकि हमारा जो गोभी है उसको भी पकाना है, इसमें फ्राई करना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे जो ये पकौड़े हैं गोभी के वो काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। तो अब शुरुआत करते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो सबसे पहले पैन में लेंगे हम ऑयल और उसमें डालेंगे हम फाइन चॉप्ड गार्लिक के पीसेस कुछ इस तरीके से, और इसको फ्राई कर लेना है गोल्डन फ्राई ताकि हमारे जो गार्लिक की खुशबू है वो काफ़ी बढ़िया आए तेल के अंदर से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे गार्लिक के पीसेस ब्राउन हो चुके हैं, और अब इसके अंदर डाला जा रहा है टमाटो केचप। जहाँ दोस्तों काफ़ी सारा टमाटो केचप इसमें डालना है क्योंकि इसी की ग्रेवी बनेगी असली में। तो यहाँ पे अब अच्छे से सॉस को भी मिक्स कर लिया जा रहा है गार्लिक और ऑयल के साथ, और इसको अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी, जैसे कि हनी चिली कॉलीफ्लावर है तो इसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं लगभग 3 से 4 चम्मच टेबलस्पून हनी। अब इसमें ऐड किया जा रहा है दोस्तों चिली गार्लिक पेस्ट जो हमने अपने बैटर में भी डाला था, वही वाला पेस्ट इसमें भी ऐड किया गया है। ये चिली है, ये तीखा पेस्ट है, बेसिकली जो तीखापन है इस कॉलीफ्लावर को यही पेस्ट देने वाला है। तो गेम किसकी है दोस्तों, एक तो सॉस गार्लिक और ये चिली पेस्ट की।
अब इसमें ऐड किया जा रहा है दोस्तों थोड़ा सा फूड कलर। हालांकि फूड कलर जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ कलर देने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें जो टमाटो केचप है उसका कलर आ जाएगा। तो हल्का सा कलर देने के लिए दोस्तों कमर्शियल चीज़ों में हमेशा फूड कलर यूज़ किया जाता है, उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर यूज़ किया गया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। वैसे तो ये सारे के सारे पेस्ट रेडी टू यूज़ होते हैं, तो हल्का सा इसको हम कुक कर लेंगे और उसके बाद इसमें मिलाएंगे हमारे जो कॉलीफ्लावर्स हैं जो हमने अभी अभी फ्राई किए हैं बिल्कुल फ्रेश, उसको हम मिक्स करके अच्छे से इसको कुक कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों हमारा जो कॉलीफ्लावर है वो अच्छे से कोट हो चुका है इस पेस्ट के अंदर जो हमने अभी पेस्ट तैयार किया था गार्लिक टमाटो सॉस और चिली पेस्ट के अंदर। तो ये अच्छे से हमारा जो गार्लिक है वो कोट हो चुका है इसके अंदर। अब उसके ऊपर से हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़े से सेसमी सीड, उससे जो है वो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और उसका टेक्स्चर भी काफ़ी बढ़िया दिखता है देखने में, तो वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके हमारा जो हनी चिली कॉलीफ्लावर है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो हनी चिली कॉलीफ्लावर बिल्कुल रेडी है। अब इसको एक बॉल में निकाला जा रहा है और उसके बाद पता ही है आपको क्या करना है, टेस्ट करना है दोस्तों। बस काफ़ी बढ़िया बना है दोस्तों ये, और जिस तरीके से इसकी खुशबू है और जो टेस्ट है इसका वो भी बड़ा ज़बरदस्त था दोस्तों। मैंने टेस्ट किया था इस चीज़ को और काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, काफ़ी अच्छा चटपटा सा टेस्ट था इसका। जो चिली सॉस डाली थी हमने उसकी वजह से तीखापन था, और जो टमाटो केचप डाली थी उसके बाद मीठा, और हनी की वजह से भी मीठापन तो था ही था। तो बस ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए सेसमी सीड्स और थोड़े से ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और बस हमारा जो हनी चिली कॉलीफ्लावर था वो बिल्कुल रेडी है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, घर में हर चीज़ मिल जाएगी हमें इसको बनाने के लिए। अगर आप भी बनाते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपका ये हनी चिली कॉलीफ्लावर कैसा बना। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करते रहें, क्योंकि वहाँ पर भी रेगुलर कंटेंट डलता रहता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।